अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्पेशल फंक्शन फोर्स का एक थ्योरम देखते हैं। उन्होंने कहा प्रूव डैट एफ ऑफ एल्फा कोमा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन सेमी कोलन माइनस वन इज इक्वल टू गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन गामा बीटा बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा बीटा प्लस वन इंटू गामा बीटा बाई टू माइनस एल्फा प्लस वन। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में आए बाई द इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन प्रूफ की थी, वो ये थी एफ ऑफ एल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेमी कोलन एक्स इज इक्वल टू गामा गैमा डिवाइड बाई गामा बीटा इंटू गामा गैमा माइनस बीटा इंटेग्रल जीरो से वन टी टू रेज पावर बीटा माइनस वन इंटू वन माइनस टी टू रेज पावर गैमा माइनस बीटा माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टी टू रेज पावर माइनस एल्फा साथ में डी टी। पुट गैमा इज इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा प्लस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। जो हमने प्रूव करना है इस जो इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इससे कंपेयर करें इसको। अल्फा अल्फा के ही इक्वल आ रहा है, बीटा बीटा के ही इक्वल आ रहा है, गैमा की जगह इधर क्या आ रहा है, गैमा की जगह इधर आ रहा है बीटा माइनस अल्फा प्लस वन, गैमा की जगह ये पुट कर देंगे, एक्स की जगह क्या आ रहा है माइनस वन, एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा कोमा बीटा माइनस अल्फा प्लस वन सेमी कोलन माइनस वन इज इक्वल टू ये आ जाएगा गामा, गैमा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइड बाई गैमा बीटा, वैसे गैमा गामा गैमा की वैल्यू पुट कर देगी बीटा माइनस एल्फा प्लस वन माइनस बीटा, वैसे ही इंटेग्रल जीरो से वन टी टू रेज पावर बीटा माइनस वन वन माइनस टी टू रेज पावर गैमा की वैल्यू पुट कर देगी बीटा माइनस एल्फा प्लस वन माइनस बीटा, वैसे ही माइनस वन वैसे ही। उसके बाद वन माइनस एक्स की वैल्यू है माइनस वन पुट कर दिया, साथ में टी आर है उसकी पावर माइनस एल्फा साथ में डी टी आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा, ये वैसे ही लिख लिया गया इज इक्वल टू, ये भी वैसे ही लिख लिया गया है, ये सोल्व हो गए, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, गामा वन माइनस अल्फा आ गया, जीरो से वन इंटीग्रल आ रहा है टी टू रेज पावर बीटा माइनस वन वन माइनस टी टू रेज पावर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया वन से वन ये माइनस अल्फा पावर रह गई। उसके बाद वन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वन प्लस टी टू रेज पावर माइनस एल्फा इस साथ में डी टी आ जाएगा। इधर ये चीज़ वैसे ही लिख ली। उसके बाद ये चीज़ आ रही है गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन डिवाइड बाई गामा बीटा गामा वन माइनस एल्फा इंटीग्रल जीरो से वन टी टू रेज पावर बीटा माइनस वन, वैसे ही इन दोनों की पावर कंबाइन कर लीगी डी टी। उसके बाद ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये वैसे ही लिख लिया। उसके बाद ये चीज़ भी वैसे ही लिख ली, इंटीग्रल जीरो से वन टी टू रेज पावर बीटा माइनस वन, ये आ जाएगा वन माइनस टी स्केयर इसकी पावर माइनस एल्फा साथ में डी टी आ जाएगा। अब पुट करें टी स्केयर इज इक्वल टू यू, दोनों तरफ जैसे ले लें टी इज इक्वल टू यू स्केयर रूट, इसका हम डिफरेंशियल ले लें टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू ये टू टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डी यू ओवर टू, वैसे ही अब टी की वैल्यू पुट कर दें यू स्केयर रूट टू यू स्केयर रूट आ जाएगा। उसके बाद लिमिट्स भी चेंज होंगी एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टी ज़ीरो है तो देखा टी ज़ीरो है, जब ज़ीरो पुट करेंगे इधर u भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जब t1 है इधर पुट करें t1 u भी अप्रोच करेगा वन को, ये लिमिट्स आ गई हैं हमारे पास, ये हमारे पास आ गई है लोअर लिमिट, ये हमारे पास आ गई है अपर लिमिट। ये चीज़ वैसे ही लिख ली, इधर आ रही है गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन डिवाइड बाई गामा बीटा इंटू गामा वन माइनस एल्फा इंटीग्रल ज़ीरो से वन यू टू रेज पावर वन बाई टू बीटा माइनस वन वन माइनस यू टू रेज पावर माइनस एल्फा इंटू वन बाई टू यू स्केयर रूट डी यू, वैसे आ गए ये लिमिट्स पुट कर दें यू में पुट कर लें, ये चीज़ वैसे ही लिख रहे हैं इधर, ये चीज़ आ जाएगी गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई ये टू जो आ रहा था वो इसके साथ लिख लिया बीटा गामा वन माइनस एल्फा इंटीग्रल जीरो से वन यू टू रेज पावर वन बाई टू ये है
बीटा माइनस अल्फा वैसी पावर आ रही थी, एक ये पड़ा हुआ है नीचे डिवीजन में यू की पावर 1/2, इसकी पावर 1 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी वो उससे माइनस हो जाएगी, ये चीज़ 1 माइनस यू टू रेज़ पावर माइनस अल्फा वैसी डी यू वैसी आ जाएगी। ये चीज़ वैसी लिख रहे हैं इधर, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 गामा डिवाइड बाई 2, ये चीज़ सारी वैसे लिख ली, इंटीग्रल 0 से 1 u टू रेज पावर बीटा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 माइनस यू, इसमें 1 ऐड कर दिए गए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए गए, 1 माइनस अल्फा माइनस 1 डी। उसके बाद ये चीज़ वैसे लिख रही, ये चीज़ भी वैसे ही लिख रहे हैं, इंटीग्रल 0 से 1 u, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए गए, 1 माइनस यू टू रेज पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 डी यू आ जाएगा। उसके बाद इधर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, बीटा एम ओ एन इज इक्वल टू 0 से 1 टी टू रेज पावर एम माइनस 1 टू 1 माइनस टी टू रेज पावर एन माइनस 1 डी टी, ये हमने प्रूफ की थी बीटा की बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ एल्फा कोमा बीटा माइनस एल्फा प्लस 1 सेमी कोलन माइनस 1, ये चीज़ वैसे ही लिख रही है, ये डेफिनेशन क्लोज हो गई, ये प्रॉपर्टी क्लोज कर दी गई है बीटा। अब ये देखें इसको अगर इससे कंपेयर करें, ये आ जाए एम की जगह हमारे पास क्या आ रहा है बीटा बाई टू, एन की जगह क्या आ रहा है माइनस वन तो आ रहा है, एन की जगह हमारे पास 1 माइनस एल्फा आ रहा है, ये हमने वो डेफिनेशन क्लोज कर दी। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ वैसी इधर आ रही है, ये भी वैसी लिख लिया। अब इधर जो है एक और प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एम ओ एन इज इक्वल टू गामा एम डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, ये प्रॉपर्टी ये हमारे पास है, हमारे पास एम है ये एन है, बीटा गामा एम मीन्स गामा बीटा बाई टू, गामा एन आना था, गामा एन की जगह 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा, ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बीटा बाई 2 से इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ये चीज़ वैसी आ रही, जब इधर न्यूमिनेटर से अब मल्टीप्लाई करेंगे बीटा बाई 2 से, ये बीटा ये पहले तो ये चीज़ कैंसिल होगी, उसके बाद बीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, गामा बीटा बाई 2 डिवाइड बाई, जब बीटा बाई 2 से इधर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर 2 से 2 कट के इधर सिर्फ बीटा रहेगा, साथ में गामा बीटा आ गया, ये चीज़ वैसी आ गई डिवीजन में, वैसी गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा, ऊपर भी ये चीज़ गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 आ। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ वैसी लिख रहे हैं, ये चीज़ आ जाएगी गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये इधर प्रॉपर्टी एक लगाई मीन्स हमारे पास ये हो अगर एन गामा एन, वो होता है हमारे पास गामा एन प्लस 1 के इक्वल। अब ये देखें इधर आ रहा है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ गामा बीटा प्लस 1, ये इसी के इक्वल आ जाएगी, क्लोज कर दी प्रॉपर्टी गामा फंक्शन। अब इधर भी एक प्रॉपर्टी यही इस्तेमाल की गई है, गामा बीटा बाई 2 प्लस 1, क्लोज कर दी प्रॉपर्टी, इधर जो चीज़ है ये चीज़ हमने वैसे ली, हेंस हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है, यही हमने प्रूव करना है।